हेलो गाइस, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। काफ़ी लोग डाउट पूछ रहे थे कि एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है और फिर 6 से 10 तक पढ़ने का मतलब है कि नहीं, या फिर केवल 11 12th की पढ़नी है, या फिर किस किस सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है और कौन कौन सी स्पेशली नहीं पढ़नी है। तो जो सब्जेक्ट वाइज है मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, कल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो फिर वो आप जितनी ओल्ड एनसीईआरटी रेफर करोगे उतना ही बढ़िया है, और न्यू एनसीईआरटी में क्या है कि वो बाय सिलेबस और फिर बाय कंटेंट वो काफ़ी छोटी हो चुकी है। तो कंसंट्रेट ऑन ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपको वो मिल जाती है तो, और ये सब के लिए लागू है, हिस्ट्री के लिए और सारे सब्जेक्ट के लिए भी। अब हिस्ट्री के लिए टोटल 11 12th में 4 एनसीईआरटी हैं। 11th में एक एंशिएंट और मेडिवल की है, वो दोनों आपको पढ़नी है और वो प्रिलिम्स के एंगल से काफ़ी यूजफुल होगी, और उसमें से जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो मेंस में जो कल्चर का सवाल आता है उसमें भी यूजफुल हो सकता है, जैसे भक्ति मूवमेंट या सूफी मूवमेंट, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह। और फिर उसके अलावा एंशिएंट और मेडिवल में आपने ये एनसीईआरटी कर ली तो उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर लेट से आपको अगर तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की बुक पढ़नी है तो आप वो पढ़ सकते हैं, तो फिर आप एनसीईआरटी ना पढ़ें, दोनों में से एक ही पढ़ें। फिर उसके अलावा फिर 12th में 2 एनसीईआरटीज हैं, एक मॉडर्न पे है, मॉडर्न इंडिया पे, और एक वर्ल्ड हिस्ट्री पे है। तो मॉडर्न इंडिया वाली एनसीईआरटी आपको पढ़नी है और वर्ल्ड हिस्ट्री वाली भी आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा 6 to 10 वाली एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9th तो वर्ल्ड हिस्ट्री पे है तो वो नहीं करना है, 10th वाली भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज़न है या फिर एंशिएंट और मेडिवल में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप 6th और 7th की एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक फैक्ट्स को जानने के लिए। तो 6 to 10 में 6th 7th के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो भी आप 6th 7th की तब पढ़ें जब आपको ऐसा लग रहा है कि उतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं है एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में। और उसके अलावा जो 4 एनसीईआरटीज हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट और मेडिवल के लिए वो मोर देन इनफ है। मॉडर्न में वो मोर देन इनफ नहीं है पहले, लेकिन आप मॉडर्न में वो मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके अलावा फिर आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं। और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में जो आप एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हैं तो सही है, नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि सफिशियंट नहीं है एनसीईआरटी। रीजन बीइंग कि वो वर्ल्ड वार 20th सेंचुरी की वर्ल्ड हिस्ट्री दी हुई है, उससे पहले की भी यूपीएससी पूछता है, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये सब भी सिलेबस में वो डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो डेफिनेटली उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कोई पर्टिकुलर बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, जो पतली सी बुक हो। मैंने पर्टिकुलरली ये विजार्ड बुक फॉलो की थी क्योंकि 100 पन्ने की बुक थी और केवल यूपीएससी सिलेबस ही उसमें कवर्ड था, तो इसलिए मैंने फॉलो किया था। तो आपको कोई सी भी अगर पतली सी बुक वर्ल्ड हिस्ट्री की मिलती है, क्योंकि एक सवाल आना है वर्ल्ड हिस्ट्री पे 10 नंबर का, बहुत हो गया तो 15 नंबर का, अब उसके लिए आप अगर एक बुक से ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो मतलब नहीं बनता, और वो बुक भी केवल पतली हो, टू द पॉइंट हो और यूपीएससी सिलेबस पे अलाइंड हो। तो जो यूपीएससी के कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उनके जो लीफलेट है, उनकी जो उनका जो मटेरियल, आप उनको रेफर कर सकते हैं, वो भी उसी कोचिंग का कीजिए जिसका आपको क्रिस्प और टू द पॉइंट और शॉर्ट लग रहा है। और उसके अलावा अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में 11 12th में टोटल 4 एनसीईआरटीज हैं, एक इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी पे, एक वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी पे, एक इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी पे, एक वर्ल्ड की ह्यूमन ज्योग्राफी पे। ये चारों एनसीईआरटीज आपको अच्छे से करनी है, और स्पेशली जो वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी है, वो तीनों एनसीईआरटीज को तो अच्छे से करना है। और वर्ल्ड की जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी है वो शायद आप उतने अच्छे से नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर यूपीएससी उतना फोकस करती नहीं है। इसके अलावा 10th की भी आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, कि कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है, कौन सा क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स कहाँ पे ग्रो किया जाता है, कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है, कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ पाई जाती है। तो जो आपको यहाँ 11 12th के इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी वाले एनसीईआरटी में मिलेगा, तो 10th में थोड़ा कम है लेकिन टू द पॉइंट दिया हुआ है, तो इसलिए आप वो रेफर कर सकते हैं। और 6 to 9 आपको रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा डेफिनेटली आप एटलस तो रेफर करेंगे ही, और जो आप नोट्स बनाएंगे मेंस के लिए, तो हिस्ट्री का अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप स्पेक्ट्रम से बनाएंगे, लेकिन ज्योग्राफी का आप नोट्स बना रहे हैं वो आप एनसीईआरटी से ही बनाएंगे। तो एक अकेला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी जिसमें आप जब नोट्स बनाएंगे मेंस के लिए तो वो एनसीईआरटी से ही बनाएंगे। इसके अलावा पॉलिटी में टोटल 11 12th में 4 किताबें हैं, 10th तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है पॉलिटी, और 11 12th में टोटल 4 किताबें हैं। 11th में 2 किताबें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और एक पॉलिटिकल थ्योरी करके एक बुक है, तो ये दोनों को बुक आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपके बेसिक कंसेप्ट जैसे लिबर्टी क्या है, फ्रीडम क्या होता है, सेकुलरिज्म क्या है, ये सब कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। तो क्योंकि अब प्रिलिम्स में भी यूपीएससी
पॉलिटी में भी फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास ज़्यादा है तो डेफिनेटली एक दो सवाल आप वहाँ पे ज़्यादा सही कर सकते हैं। तो ये दो बुक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन काम तो आपको लक्ष्मीकांत में ही करना है। उसके अलावा ट्वेल्थ में दो बुक और है, एक है उसका थीम है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का पॉलिटिकल सीन कैसा था, और एक कंटेम्पोररी वर्ल्ड इवेंट्स पे है। तो ये दोनों बुक भी आप पढ़ सकते हैं जो इंडिया के इवेंट्स से रिलेटेड है। तो उस वो आप इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हिस्ट्री का जो सेक्शन है जीएस पेपर वन में, उसमें यूजफुल हो सकता है। और एक कंटेम्पोररी वर्ल्ड इवेंट्स है जैसे कोल्ड वार हो गया, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वो उस एनसीईआरटी में कवर्ड है। पॉलिटी की एनसीईआरटी की बात मैं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी जो ट्वेल्थ की है। तो दो एनसीईआरटी है, एक कंटेम्पोररी इंडियन पॉलिटिक्स है, कंटेम्पोररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। तो कंटेम्पोररी इंडियन पॉलिटिक्स आपको इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला जो सेक्शन है मेंस में जीएस पेपर वन में वहाँ पे यूज हो जाएगा, और कंटेम्पोररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आपको इंटरनेशनल रिलेशन जो आपका जीएस पेपर टू में उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए यूजफुल होगा। उसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो आपको 10 तक पढ़ना ही नहीं है, और 11, 12 में भी टोटल चार किताब है। 11 में दो किताब है, एक स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है जो आपको छूना ही नहीं है, और एक इंडियन इकोनॉमी पे बेस्ड है जो आपको पढ़ना है। वहाँ पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी कि प्लानिंग कमीशन का क्या रोल था, एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह के बारे में। और ट्वेल्थ में दो एनसीईआरटी, एक माइक्रो पे एक मैक्रो पे। माइक्रो वाली नहीं पढ़ दी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली आपको पढ़नी है, लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि काफ़ी मैथमेटिकल भी किसी जगह समझाया गया, तो आपको ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं घुसना, आपको बस केवल कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो उसमें अगर जो भी सेक्शन आपका वीक है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आप वो रिक्विजिट सेक्शन पढ़ सकते हैं 6 to 10 की एनसीईआरटी से। अगर आपको लगता है आपका बायोलॉजी वीक रहा है तो आप 6 to 10 वाली एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन में आपका 6 to 10 की सारी आप बायोलॉजी की बुक पढ़ लेंगे 6 to 10। उसके अलावा एनवायरमेंट में तो एक ट्वेल्थ की बायोलॉजी की बुक आती है, उसमें 3 से 4 चैप्टर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट पे है, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा कल्चर में क्लास 11th में एक फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है, वो बुक आप पढ़ सकते हैं, और डेफिनेटली कुछ कुछ एस्पेक्ट जैसे केव आर्किटेक्चर वगैरह हो गया, टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह हो गया, ये सब आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। उसके अलावा बहुत लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में भी क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर वो रेफर करते हैं, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा आप सेकेंड ईआरसी या एनडीएमए गाइडलाइंस या इवन योजना है 2017 जनवरी की, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इस वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, ओल्ड पढ़नी है कि न्यू पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, किस से एनसीईआरटी से नोट्स बनाना है, तो ये सब चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया है। तो आपको एक होलिस्टिक सा व्यू मिल गया होगा कि कौन सी एनसीईआरटी कितनी यूजफुल है। सो डेफिनेटली दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।